हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू आशा एजुकेशन। आज हम करेंगे सिक्स क्लास की हिंदी की किताब बालराम कथा का फोर्थ चैप्टर राम का वनगमन। तो इससे पहले आपने देखा जो केकई थी उन्होंने अपने दोनों वरदान मांग लिए, एक तो था जो भरत को राजगद्दी मिल जाए और दूसरा था रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास। तो जो ये बात थी वो तो इन दोनों के बीच में ही थी, राजा दशरथ को पता था और जो केकई थी उनको पता था, बाकी जो जनता थी या नगर के लोग थे और जो राजमहल के लोग थे किसी को भी इस बात का पता नहीं था कि ऐसी कोई बात हुई है कि राज्याभिषेक है वो अब नहीं होगा। तो सभी लोग थे वो तैयारियों में लगे हुए थे उनकी जो राज्याभिषेक की, और जो रामचंद्र जी थे उनका राज्याभिषेक होना था तो बहुत खुश थे सब लोग, लेकिन लोगों को कुछ संशय भी लग रहा था कि पता नहीं क्या बात है, जो राजा दशरथ थे वो दिखाई नहीं दे रहे थे। तो उनको लगा कि राजा दशरथ शायद अपने काम में बिजी होंगे। तो क्या था, जैसे जैसे दिन चलता जा रहा था वैसे वैसे चहल पहल और भी ज्यादा बढ़ती जा रही, तो सभी लोग उस पल का इंतजार कर रहे थे कि कब राम को राज्याभिषेक हो, रामचंद्र जी का वो राजगद्दी को संभाले। तो जो महामंत्री थे सुमंत्र कुछ असहज थे, तो उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि जो राजा दशरथ है वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा, उनको देखा नहीं है। तो कुछ लोगों को ऐसा लगा कि शायद आयोजन की व्यवस्था है वो व्यस्तता है, वो बिजी है शायद कुछ। तो महर्षि ने सुमंत्र को राजभवन भेजा। तो वो समय तेजी से बीत रहा था, शुभ घड़ी थी वो निकट आ रही थी, सारी तैयारियां हो चुकी थी, केवल महाराज थे उनका आना शेष था। तो वो सुमंत्र थे तत्काल राजभवन पहुंचते हैं, केकई के महल की सीढ़ियां चलते हुए सुमंत्र को एक अनजान डर ने घेर लिया। तो उनको डर लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा। अंदर पहुंचे देखा कि महाराज क्या है पलंग पर पड़े हुए हैं, बिल्कुल बीमार से लग रहे थे, दीनहीन से लग रहे थे। तो सुमंत्र का जो मन था वो भांपते हुए जो केकई थी उन्होंने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है मंत्रीवर, महाराज राज्याभिषेक के उत्साह में रात भर जागे हैं, तो वे बाहर निकलने से पहले राम से बात करना चाहते हैं। तो जो केकई थी उन्होंने उनको समझा दिया सुमंत्र को कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप चिंता मत कीजिए, राजा हैं वो रात भर जागे हैं, उनको बहुत उत्साह है उनके राज्याभिषेक का और वो रामचंद्र जी से कुछ बात करना चाहते हैं। तो सुमंत्र पूछते हैं कि कैसी बात है, कैसी बात करना चाहते हैं वो। तो वो कहती मैं नहीं जानती, आप ऐसा करिए रामचंद्र जी को बुला दीजिए। वो दशरथ होते हैं बहुत ही पतले, वो लग रहा होता है कि बहुत ही छीण हो गए हैं वो। तो राजा दशरथ होते हैं बहुत ही धीमे स्वर से क्या होता है रामचंद्र जी को बुलाने की आज्ञा देते हैं। तो जो सुमंत्र है उसके मन में कई तरह की आशंकाएं उठती हैं कि पता नहीं क्या बात है, लेकिन वो कुछ पूछता नहीं है। तो रामचंद्र जी का जो निवास है वहां पर बहुत अधिक भीड़ जमा है और लक्ष्मण भी वहीं पे हैं, भवन को बहुत अच्छे से सजाया गया है, चारों तरफ रोशनी है। और सुमंत्र को देखकर क्या होता है, लोग चिल्लाने लगते हैं, वहाँ बहुत शोर मच जाता है। तो लोग को चाहते हैं कि जल्दी से रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हो, और जो सुमंत्र होते हैं फिर रामचंद्र जी से कहते हैं कि महाराज ने आपको बुलाया है, आप मेरे साथ चलिए। तो रामचंद्र जी होते हैं कुछ ही पल में रामचंद्र जी महादशरथ जी के पास पहुंच जाते हैं, लक्ष्मण भी साथ में होते हैं। तो दोनों भाई होते हैं बहुत ही आश्चर्यचकित होते हैं, और वो उन्होंने क्या होता है जो राशि वस्त्र हैं वो पहन रखे हैं और बहुत सजे धजे हैं, जय जयकार करने लगते हैं। लोग सोच रहे होते हैं कि राज्याभिषेक के लिए जा रहे हैं दोनों भाई। तो फूलों की वर्षा होने लगती है, राजकुमार समझ नहीं पा रहे हैं कि महाराज ने उन्हें अचानक ऐसे क्यों बुला लिया। तो जो लोग होते हैं उनको बस मन में यही लग रहा है कि रामचंद्र जी हैं वो राज्याभिषेक के लिए जा रहे हैं, वो लोग बहुत खुश होते हैं। तो महल में पहुंचकर राम के जो पिता होते हैं वो बैठे होते हैं, तो रामचंद्र जी होते हैं वो उनको नमस्कार करते हैं, अपनी माता जी को जो केकई होती है उनको भी नमस्ते करते हैं। तो रामचंद्र जी को देखकर क्या होता है, जो दशरथ होते हैं वो बेसुध हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। उनके मुंह से एक हल्की सी आवाज निकलती है राम, और फिर जब उनको होश आता है तो वो कुछ बोल नहीं पाते। तो थोड़ी देर तक बहुत अधिक सन्नाटा रहता है, चुप्पी रहती है, कोई कुछ नहीं बोलता है। तो राम जी हैं वो पिताजी से पूछते हैं कि क्या बात है, मुझसे कोई अपराध हो गया क्या जो आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो आप बताइए माते क्या बात है, कोई बात है क्या। तो महाराज जो केकई होती है वो कहती है महाराज दशरथ ने मुझे एक बार दो वरदान दिए थे, और मैंने जो दो वरदान थे वो कल रात मांगे थे इनसे, लेकिन अब ये पीछे हट रहे हैं तो ये तो शास्त्र सम्मत नहीं है, और रघुकुल की जो नीति है वो भी इसके विरुद्ध है। वो तो रघुकुल में तो जो कोई वचन देता है अपने वचनों को निभाता है। तो केकई थी अपना बोलना जारी रखती है, वो कहती है मैं चाहती हूँ कि राज्याभिषेक भरत का हो, और तुम क्या करो 14 साल के लिए वनवास चले जाओ, वन में चले जाओ। तो महाराज जो है वो तुमसे यह बात कह नहीं पा रहे हैं। तो रामचंद्र जी है वो कुछ बोलते नहीं है। तो जो रामचंद्र जी होते हैं वो कहते हैं हाँ पिताजी ने जो वचन दिया है वो अवश्य पूरा होगा, भरत को राजगद्दी दी जाएगी और मैं आज ही वन को चला जाऊंगा। तो जो केकई होती है ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उनकी जो मनोकामना थी वो पूरी होने वाली थी, और राजा दशरथ थे वो ये सब कुछ चुपचाप देख रहे थे
उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, वो केकई की ओर देखते हुए बस एक शब्द उनके मुंह से निकलता है, धिक्कार। तो जो रामचंद्र जी होते हैं इसके बाद सीधे जाते हैं अपनी माता कौशल्या जी के पास और जो भी कुछ बातें हुई थी इन लोगों के बीच में वो उनको बताते हैं और वो कहते हैं कि अब हमें बन जाना होगा। तो कौशल्या जी जब ये सुनती हैं तो उनकी सुध खो देती हैं। लक्ष्मण थे वो बिल्कुल शांत थे पर उनको अंदर से बहुत अधिक गुस्सा आ रहा था, तो राम उनको समझाते हैं और उनसे बन जाने की तैयारी करने के लिए कहते हैं। तो कौशल्या का मन था कि राम को रोक लें, बन ना जाने दें, और वो कहती है कि अरे भाई राजगद्दी को छोड़ दो, राजगद्दी मत लो भले, लेकिन तुम अयोध्या में रहो। तो उन्होंने कहा पुत्र यह राजाज्ञा जो है वो अनुचित है। जो कौशल्या है वो कहती है कि जो राजा ने आज्ञा दी है वो ठीक नहीं है, अनुचित है, उसे मानने की आवश्यकता नहीं है। राम ने उन्हें नम्रता से उत्तर देते हैं। फिर राम जो होते हैं अपनी माँ से कहते हैं यह राजाज्ञा नहीं पिता की आज्ञा है। तो पिता ने मुझसे ऐसा कहा है तो मैं इस आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा, मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि मैं इसका उल्लंघन करूं, आप मुझे क्या करिए आशीर्वाद दे दीजिए। तो लक्ष्मण से राम का संवाद जारी रहता है। राम ने वन गमन को भाग्यवश आया उल्टा फेर कहा। तो रामचंद्र जी हैं वो सोचते हैं कि उनके जो भाग्य है उनके उसमें उलट फेर हो गया है जिसकी वजह से उन्हें अब वन में रहना होगा। तो लक्ष्मण इससे सहमत नहीं है, वह इसे कायरों का जीवन मानते हैं। उन्होंने राम से कहा कि आप बाहुबल से अयोध्या का राज सिंहासन छीन लें, देखता हूँ कौन विरोध करता है। तो जो लक्ष्मण है वो राम को समझाते हैं कि आप में बहुत अधिक शक्ति है, तो आप ऐसा करिए कि जो राम अयोध्या का जो राज सिंहासन है वो छीन लीजिए, तो मैं देखता हूँ कि इसका कौन विरोध करता है। तो जो रामचंद्र जी होते हैं वो कहते हैं नहीं, मुझे ऐसे गद्दी नहीं चाहिए छीन के, मैं बन जाऊंगा, मेरे लिए तो जैसा राज सिंहासन है वैसा बन ही है। तो क्या होता है कौशल्या अपने होती हैं, वो अपने आप को संभालती हैं, उठती हैं और राम को गले से लगा लेती हैं। वे भी राम के साथ बन जाना चाहती हैं, राम ने मना कर दिया, कहा कि जो पिताजी हैं वो अब वृद्ध हो गए हैं, उनको आपके सहारे की आवश्यकता है। तो कौशल्या होती हैं राम को विदा करते हुए कहती हैं जाओ पुत्र, दसों दिशाएं तुम्हारे लिए मंगलकारी हों, मैं तुम्हारे लौटने तक जीवित रहूंगी। तो कौशल्या भवन से निकलकर राम सीता के पास जाते हैं, सारा हाल बताते हैं, विदा मांगते हैं। विदा मांगी उन्होंने, माता पिता की आयु का उल्लेख किया और उन्होंने बताया कि भाई माता पिता हैं वो बुजुर्ग हो गए, उनकी सेवा करती रहना, और कहा प्रिय तुम निराश मत होना, 14 साल के बाद हम फिर से मिलेंगे। तो रामचंद्र जी के वन गमन का समाचार तब सीता के पास नहीं पहुंचा था जब तक। तो राम को देखकर कुछ आशंका होती है, तो अनिश्चित की राम ने विदा मांगी तो सीता व्याकुल हो जाती है, तो क्रोधित भी होती हैं, तो उनको बहुत लगता है कि रामचंद्र जी ऐसे कैसे जा सकते हैं। तो राम नहीं माने तो सीता ने उनके साथ जंगल जाने का प्रस्ताव रखा। तो सीता जी कहती हैं कि मैं भी आपके साथ चलूंगी, मेरे पिता का आदेश है कि मैं छाया की तरह हमेशा आपके साथ रहूं। तो अंततः राम को उनकी बात माननी पड़ती है। तभी लक्ष्मण भी वहां आ जाते हैं, वह भी साथ जाने को तैयार थे, तो राम ने उन्हें इसकी स्वीकृति दे दी और शीघ्र तैयारी करने को कहा। तो रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण जाने के लिए तैयारी करते हैं।